हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल फैक्ट डायरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्चे और अच्छे फैक्ट्स। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी झील के बारे में जिसमें अगर कोई गया तो वो पत्थर बन गया। जी हाँ दोस्तों, इस खतरनाक और डरावनी झील के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में जो बेल बटन है उसको प्रेस कीजिए। दोस्तों, आपने राजा मिडास की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी कि अगर वो किसी चीज़ को छूता था तो वो सोने की बन जाती थी। लेकिन क्या आपने किसी ऐसी झील के बारे में सुना है जिसके पानी को कोई भी छूता है वो पत्थर बन जाता है? आज हम आपको एक ऐसी ही झील के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर कोई उसके पानी को छूता है तो वो पत्थर का बन जाता है। यह है उत्तरी तंजानिया की नेट्रान लेक। उत्तरी तंजानिया की नेट्रान लेक का दृश्य चौंकाने वाला है। अगर आप वहां पे जाएंगे तो आपको झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैचू नजर आएंगे। असल में वो कोई स्टैचू नहीं बल्कि असली मृत पक्षी हैं। दरअसल झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सिफाइड होकर पत्थर बन जाते हैं और वो ऐसे दिखते हैं मानो कि वे कोई पत्थर के स्टैचू हों। फोटोग्राफर निक ब्राइट ने उत्तरी तंजानिया के कुछ फोटोज खींचे थे। ब्रांट अपनी नई फोटो बुक एक्रॉस द रेवेज लैंड में लिखते हैं कि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जानता कि ये किस तरह से हो जाता है। वे बताते हैं कि हो सकता है कि झील की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव जो नेचर है उन्होंने उनको भ्रमित कर दिया, जिसके फलस्वरूप वे सब पानी में गिर गए। वो लिखते हैं कि पानी में नमक और सोडा की मात्रा बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इसने मेरी कोडक फिल्म बॉक्स की स्याही को कुछ ही सेकंड में जमा दिया। पानी में सोडा और नमक की ज्यादा मात्रा इन पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। इन पक्षियों के फोटो का संकलन ब्रायंट ने अपनी नई किताब एक्रॉस द रेवेज लैंड में किया है। यह किताब उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्री का तीसरा वॉल्यूम है। पानी में अल्कलाइन का स्तर पीएच 9 से पीएच 10.5 है, यानी अमोनिया जितना अल्कलाइन। झील का तापमान भी 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। पानी में वह तत्व पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। इस तत्व का प्रयोग मिश्रवासी मम्मियों को सुरक्षित रखने के लिए रखते थे। वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि सारे प्राणी कैल्सिफिकेशन के कारण चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। एक ऐसी ही सच्ची और अच्छी वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।